हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बोन फूडी। आज हम बनाने जा रहे हैं हनी चिली पोटैटो। ये एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होती है। अगर आपको स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, यू विल लव इट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने कट करके पानी में डाल के रख दिया था ताकि ये काले ना हो। अभी इनको हम पहले बॉईल कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में इन सभी आलूओं को डाल दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 5 कप पानी डाल देती हूँ। पानी के साथ साथ मैं इसमें नमक भी डालूंगी। जो आलू हमें काटने हैं वो फ्रेंच फ्राइज के आकार में काटने हैं और थोड़े मोटे काटिएगा ताकि ये मतलब उबले तो ये टूटे नहीं बाद में जब आप इसमें कोटिंग करेंगे। अभी यहाँ पे उबाल आने के बाद इसमें सारा स्टार्च निकल गया है और जो नमक है इसके अंदर पूरा अच्छे से चला जाएगा। अभी मैं इस पानी को अलग कर दूंगी और इन आलुओं को छान लूंगी। अभी इसकी कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर लिया है एंड वही 2 चम्मच के आसपास मैंने मैदा लिया है। राइस फ्लोर की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर राइस फ्लोर नहीं है तो आप उसे चावलों को पीस करके राइस फ्लोर बना सकते हैं। मैंने चावल को पीस के ही राइस फ्लोर बनाया। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। सॉरी दोस्तों, इसमें मैंने नमक भी मिलाया था। इसको बिल्कुल थिक होना चाहिए ताकि जो हमारे आलू हैं इसमें अच्छे से कोट हो जाएं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो वो बाहर ना निकले। ये कोटिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए तभी ये क्रिस्पी भी फ्राई होंगे। अगर ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, ये थोड़ा गीला हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल देती हूँ। थोड़ा सा गीला हो गया था, अभी थोड़ा इसको ठीक करना है मुझे। ठीक है, ये प्रिपेयर हो गया है। अभी मैंने जो है आलू उबाल के रखे थे मैं उसको इसमें डाल देती हूँ। मैंने आलू को थोड़ा सा सूखा चावलों का आटा लगा के रख दिया था। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से जो आलू की फाड़ियाँ हैं उनमें अच्छे से ये कोट होना चाहिए और हल्के हाथों से कीजिएगा ताकि ये टूटे नहीं। यहाँ पे मेरे आलू थोड़े से ज़्यादा बॉयल हो गए थे तो ये हल्के हल्के टूट रहे हैं। तो टिप्स यहाँ पे यही है कि आप आलू को ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा और जो आलू हैं उनका साइज़ थोड़ा थोड़ा मोटा रखिएगा। अभी हम इन आलुओं को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ले लिया है। अभी इसमें हम एक एक करके आलू जो है हमने जो कोट करके रखे थे उनको डाल लेते हैं। सारे आलूओं को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी मेरे सारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी हम सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने से पहले हमें अपनी सेसमे सीड जो है अच्छे से भून लेनी है। सॉस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 2 चम्मच। ऑयल के थोड़ा गर्म होने पे मैं इसमें ये लहसुन डालूंगी, गार्लिक। तकरीबन 5-6 कलियाँ थी ये। फिर मैं इसमें थोड़ा सा बिना भुना हुआ सेसमे सीड्स डालूंगी। इसमें थोड़े प्याज भी डाल देते हैं। थोड़ा सा चला लेते हैं इसको यहाँ पे। अभी इसमें मैं कैप्सिकम डाल दूंगी। इसके थोड़े से ये जो बनाना है आपको सॉस हाई फ्लेम पे ही बनाइएगा। अदरवाइज ये सब कुछ क्रिस्पी होने की जगह थोड़ा मुलायम मुलायम सा हो जाएगा। अभी इसमें मैंने सॉसेस अपनी डाल देते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है 1 चम्मच। आप विनेगर भी डाल सकते हैं। ये मैंने रेड चिली सॉस डाला है। टोमेटो केचप डालेंगे 2 चम्मच। नमक डाल देते हैं इसमें और थोड़ी सी चीनी फॉर बैलेंसिंग।
अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च से थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है इसलिए मैं वो अवॉइड कर देती हूँ। इस पे थोड़ा पानी डाल देते हैं, जब तक पानी में उबाल आता है तब तक हम इसकी स्लरी अब तैयार करेंगे। अरारोट से, कॉर्नफ्लावर से 1 चम्मच अरारोट में थोड़ा पानी मिला के उसका एक घोल सा तैयार कर लेंगे। और इस घोल को मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है, जो हम सॉस तैयार कर रहे थे उस कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है। इससे थोड़ा क्या है, हमारा थिकनेस बढ़ेगी। आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप उसके हिसाब से 2-3 चम्मच जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। अच्छे से चला लेते हैं इसको अभी थोड़ा। अगर आपको इसका जो गाढ़ापन है थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे पानी डाल दीजिए थोड़ा, और इसका टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैंने जो यहाँ पे बनाया है ये मेरे लिए ओके है। इसमें आप 2 to 3 टेबलस्पून मैंने हनी डाला है, हनी चिली पटेटो है तो हनी तो जाएगा ही। हनी डालने के बाद अभी इसमें मैंने जो है अपने आलू, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी, मैंने गैस ऑफ कर दी है, जो आलू है उनको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम इसके ऊपर चाहे तो आप स्प्रिंग अनियन से गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सेसमे सीड्स डाल दूंगी जो हमने भून के रखी हुई थी। अभी हमारी हनी चिली पटेटो रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। इसके ऊपर मैंने तिल डाल दिए हैं।